हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एग्जाम बी मेरा नाम नेहा अरोड़ा है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पाइपिंग सिस्टम्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम इस चैनल पर एसएससी बी में आपके क्वांट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है जिसमें रेगुलर आपकी क्लासेस आएंगी जिसमें कभी जीएस की क्लास कभी क्वांट क्वांट की class, की क्लास और सीरीज एक स्टार्ट होगी जिसमें हर टॉपिक से वो क्वेश्चन लेके जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होंगे देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइपिंग सिस्टम टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए टैंक इज फिटेड विद टू टैप्स एक टैंक में क्या है टू टैप्स यानी दो नल एक तरीके से फिट हैं ठीक है एंड फर्स्ट टैप

खाली टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे पास दो टैप दिए गए हैं इसमें हम फर्स्ट एक ले लेते हैं जिसे हम फिलिंग बोलते हैं फिल टैप ठीक है या फिर हम किसी और भी नेम से डिफाइन कर सकते हैं हमने फर्स्ट टैप का नाम ले लिया है ए एंड सेकेंड का बी ये बात क्लियर है फर्स्ट टैप जो है वो कितने टाइम में फिल करता है 45 मिनट्स में फिल वाले टैप के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे

60 मिनट में क्या है टैंक को एम्प्टी करता है अब हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं हम सबसे पहले टैंक की ये देखते हैं कि टैंक में कितने टाइम कितना लीटर पानी एक तरीके से आ रहा है टैंक की कैपेसिटी क्या है कैपेसिटी के लिए हमें क्या करना होता है हमेशा अगर हम बात करें हम इसका एलसीएम लेते हैं ठीक है थेके? जो इनका टाइम होता है टाइम गिवन होता है टैप का उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टैंक की क्या आ जाती है कैपेसिटी तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 180 अब एलसीएम में भी बात करें तो यहाँ पर ये यह 60 है 60 का मल्टीपल आप चेक कर लीजिए चाहे 45 का जो दोनों एक दूसरे से क्रॉस होती हूं ठीक है या फिर हम बात करें इसे 40 15 3 में ब्रेक कर सकते हैं वैल्यू को और इसे 15 4 में ठीक है इस तरीके से भी हम क्या है एलसीएम का क्या है ब्रेक करके भी और ऐसी वैल्यू में ब्रेक कर रहे हैं जो फैक्टर ना हो कि इवन क्या है मल्टीपल है इन वैल्यूज का ठीक है ताकि हमारे लिए और इजी हो जाता है एज कंपेयर अगर हम बात करें पूरा फैक्टर करके हम इसका एलसीएम लें ठीक है तो सबसे पहले हमने एल्सियम लिया तो कितना आया वन और वन ये क्या है टैंक की अगर हम बात करें तो टैंक की कैपेसिटी है ठीक है अब हम बात करते हैं आपके पास ये वैल्यू आ गई है अब आपके पास उसने हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो फर्स्ट मिनट होता है ठीक है फर्स्ट मिनट में कौन सा टैब ओपन होता है फर्स्ट अब हमें टैंक की क्या चाहिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं टैंक की कैपेसिटी तो आ गई पर हमें हर टैब की क्या चाहिए एक तरीके से इफिशियंसी चाहिए कि एक मिनट में कौन सा टैब कितने लीटर या कितने यूनिट पानी क्या है फिल कर रहा है और कितने लीटर पानी क्या है एक तरीके से खाली हो रहा है तो हमें चाहिए तो इफिशियंसी के लिए क्या होता है हमारे पास जो भी वैल्यू आई है कैपेसिटी की उससे उसके टाइम को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें हमारे पास क्या आ जाती है उसकी आ जाती है तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो आपके फर्स्ट फर्स्ट स्टेप की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी फोर यूनिट इसे हम यूनिट के फॉर्म में ले लेते हैं ठीक है एंड सेकेंड की थ्री यूनिट इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो फिल करने वाला टैब है वो फोर यूनिट अगर हम बात करें वाटर क्या है फिल करता है टैंक में और सेकंड जो टैब है वो थ्री लीटर एक तरीके से थ्री यूनिट वाटर को क्या करता है खाली करता है टैंक से ठीक है अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मिनट में फर्स्ट टैब को ओपन किया जाता है तो फोर यूनिट वाटर को वो क्या करता है फिल करता है तो प्लस का फोर लेंगे ये बात क्लियर है यहाँ पर इसे हम माइनस का ले लेंगे खाली करने वाली वाली को अब सेकंड मिनट में सेकंड टाइप आता है ठीक है जस्ट हम सेकंड मिनट की बात करी ठीक है सेकंड सेकंड मिनट में सेकंड टैब आता है और कितना इस बार वो पानी को क्या है फिल नहीं करेगा खाली कर रहा है सेकंड टैब तो कितना खाली करेगा 3 यूनिट अब आप देखिए फर्स्ट मिनट में फोर यूनिट टैप में टैंक में पानी डाला गया एक तरीके से और सेकेंड मिनट में अगर हम बात करें तो थ्री यूनिट पानी को एक तरीके से वाटर को निकाल लिया गया तो एक तरह अगर हम बात करें ओवरऑल टू मिनट्स की ठीक है अगर हम टू मिनट्स के ओवरऑल बात करें तो हमारा टैंक में कितना पानी रहेगा फोर यूनिट आपने डाला और थ्री यूनिट एक तरीके से उसमें से निकाल लिया नेक्स्ट मिनट में तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ओवरऑल टू मिनट्स में हमारे पास टैंक में जो वाटर रहेगा वो क्या रहेगा यूनिट रहेगा ठीक है 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 अब यहां पर आपसे क्वेश्चन में में पूछा जा रहा है कि कितने टाइम टैंक क्या है, फिल होगा तो देखिए टू मिनट्स में कितनी क्वांटिटी हमारी जो है टैंक में रह जाती है वो है वन यूनिट हमें जो फिल करना है वो टैंक की कैपेसिटी कितनी है अगर हम बात करें वन एटी वन एटी फिल करना है पर अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें लास्ट मिनट में जब भी ए ओपन होगा लास्ट टाइम पे वो फिल करेगा पर उसके बाद नेक्स्ट वाले की बारी आए आए या ना उसमें से, तो उस से हम क्या माइनस कर देते हैं जो फिल करने वाले की इफिशियंसी होती है तो वन एटी में से हम फोर माइनस कर देंगे तो वन सेवनटी सिक्स यूनिट आएगा यानी अभी फिलहाल हमें कितना फिल करना है, 176. अब अगर हम बात करते है वन यूनिट वाटर क्या है एक तरीके से फिल किया जाता है टैंक में ठीक है और अब हमें फिल कितना करना है 176 यूनिट तो इसमें कितना टाइम लगेगा One unit, कितने में होता है टू मिनट्स में ठीक है कितने में में, होगा? तो इसकी किस से multiply करा रहे हैं? जो same scenario यहां पर होता है आपके पास multiply में, वही सेम टाइम में होगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो आपको यूनिट वाटर को फिल करना है तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा टू इन टू में 176 ठीक है मल्टीप्लाई करके कितना आएगा थ्री फिफ्टी टू मिनट्स ठीक है यानी 176 यूनिट वाटर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा 352 मिनट्स लगेंगे अब जो उसके नेक्स्ट मिनट होगा यानी 353 मिनट जो होगा ठीक है उसमें टैंक टैब ए ओपन होगा ठीक है और फोर यूनिट वाटर को उसको फिल किया जाएगा ठीक है जब वो फोर यूनिट इसमें फिल करेगा ठीक है तो हमारा टैंक में कुल टोटल कितना वाटर फिल हो जाएगा 180 यूनिट

आर्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली फाइव टाइम्स डिवाइड होगा यानी फाइव आर्स 53 मिनट्स। इतने टाइम में हमारा क्या है टैंक क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टैप्स पी एंड क्यू

जो आर है वो उसे एम्टी करता है कितने टाइम थर्टी थर्टी में वो क्या वन मिनट वही सेम चीज है यहाँ पर भी अगर हम बात करें यहाँ थ्री टैप्स की बात हो रही है इन्हें भी क्या है अल्टरनेट ओपन किया जा रहा है जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट मिनट में ठीक है फर्स्ट मिनट में कौन सा टैप वर्क करता है पी ठीक है फिर सेकंड मिनट की अगर हम बात करें तो सेकंड मिनट में कौन करेगा क्यू एंड थर्ड मिनट में अगर हम बात करें ठीक है तो कौन वर्क करेगा आ अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए टैंक की कैपेसिटी चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं टेक एल्सियम एल्सियम लेते हैं ठीक है उससे हमारे पास क्या आ जाती है टैंक की कैपेसिटी तो एल्सियम लेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटी यूनिट ठीक है सिक्सटी यूनिट हमारा इसका एल्सियम आ गया टैंक की ये क्या है कैपेसिटी है अब अगर हम बात करते हैं जो टैप पी है उसकी इफिशियंसी कितनी है तो उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई फोर यूनिट ठीक है और ये क्या है पॉजिटिव यानी फिल करने वाली अगर Q की बात करते हैं तो Q की इफिशियंसी कितनी है थ्री यूनिट ठीक है और ये भी फिल की है R की बात करते हैं R हमारा क्या है ऐसा टैब है जो टैंक को एम करता है ठीक है इसी इसकी इफिशियंसी की बात करें तो कितनी आ गई टू यूनिट अब अगर हम देखें ओवरऑल फर्स्ट मिनट में वर्क करता है तो वो कितने यूनिट यूनिट वाटर को क्या करता है फिल कर देता है फिर में Q आता है? वो कितना करता है? अब अगर हम ओवरऑल थ्री मिनट्स की बात करें तो इन थ्री मिनट में कितना वाटर क्या है फिल हो रहा है थ्री पहले फोर फिल हुआ फिर कितना सेवन और फिर तो उसमें से अगर एक तरीके से हम बात करें एम हो गया तो कितना रिमेनिंग रहा यानी यूनिट कितने टाइम में इन ये बात क्लियर है अब हमें टैंक जो फिल करना है उसकी कैपेसिटी कितनी है सिक्सटी यूनिट हमने मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था हम सबसे पहले क्या करते हैं हमारा लास्ट जो एम्प्टी वाला है वो उस टाइम पे वर्क करें या ना करें तो हम हमेशा प्लस हमारा ये वाला थर्ड पाइप जो है वो उसमें उस टाइम ड्यूरेशन में वर्क ना करें ठीक है तो हम इसके लिए ले, ले लेते हैं हमारे इसके मल्टीपल की फॉर्म में अगर हम कहें तो फाइव यूनिट का हमारा मल्टीपल फिफ्टी यूनिट आएगा सिक्सटी से पहले की वैल्यू ठीक है अब उसमें बात करते हैं तो अगर हम बात करें हमें 55 यूनिट वाटर फिल करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना है 11 मल्टीपल ठीक है तो यहाँ पर टाइम में भी क्या होगा जस्ट 11 से मल्टीप्लाई होगी यानी 55 यूनिट जो वाटर है कितने टाइम में फिल होगा 33 मिनट्स में फिल होगा ठीक है अब वही सेम जो आपका ऑर्डर है वो थर्टी फोर मिनट से अगेन स्टार्ट होगा ठीक है यानी अब हम बात करें थर्टी फोर्थ मिनट की ठीक ठीक है 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 इसमें कौन वर्क करेगा? पी वर्क करेगा करेगा पाइप पाइप पी पी और क्या टैंक को फिल करता है तो कितने यूनिट फिल करेगा फोर यूनिट फिल करेगा ठीक है 55 हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिल कर चुके थे ठीक है अब आपके पास मिनट में पाइप पी वर्क करेगा और यूनिट वाटर उसमें फिल कर देगा यानी अब हम बात करें ट्वेंटी फिफ्थ मिनट की एक तरीके से तो उस टाइम पे कौन सा पाइप वर्क करने के लिए आएगा क्यू और क्यू भी क्या है फिल करता है पर अगर हम बात करें वो वन मिनट में कितना करता है थ्री यूनिट पर हमें कितना फिल करवाना है एक तरीके से वन यूनिट तो वन यूनिट कितना कितने टाइम में करेगा, करेगा. ठीक तो तो है ट्वेंटी फिफ्थ मिनट जो अगर हम एक तरीके से बात करें वो कंप्लीट पूरा यूज नहीं होगा उसका वन थर्ड पार्ट एक तरीके से उसी में वन यूनिट फिल हो जाएगा तो यानी टोटल टाइम कितना लगा इस टैंक को फिल करने में तो आपका टोटल टाइम लगा थर्टी फोर वन बाय थ्री मिनट ठीक है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक

ठीक है और पाइप सी जो है वो टैंक को खाली करता है कितने फोर आवर्स में ठीक है थेके? अब अगर हम बात करें सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी होती है और उसके लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा सिक्सटी यूनिट ये हमारे पास क्या आ गई टैंक की कैपेसिटी ठीक है अब एक टैप जो है उसकी इफिशियंसी निकाले तो कितनी है फोर यूनिट ठीक है

सबसे पहले टैब ए को ओपन किया गया और वो कितने बजे ओपन किया गया एट ए एम पे ठीक है फिर नाइन ए एम पे और फिर इलेवन पे सबसे पहले अगर हम बात करें जिनको पहले ओपन किया गया है 11 के बाद तो क्या है तीनों के तीनों टैब एक साथ इसका मतलब कंटिन्यू क्या है ओपन है ठीक है इलेवन एम के बाद क्या है एक तरीके से तीनों के तीनों टैब क्या है ओपन है इलेवन तक अगर हम बात करते हैं तो पहले एट टू इलेवन कौन वर्क कर रहा है टैब ए ठीक है फिर 9 टू 11 अगर हम बात करें तो टैप बी और 11 और एएम पे अगर हम बात करें तो ए बी सी तीनों वर्क कर रहे हैं ठीक है तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना होगा अगर हम बात करें 11 टू पहले 8 टू 11 कितना टाइम हमारे पास है और कितनी टैंक को वो फिल कर चुका है टैप ए तो सबसे पहले अगर हम बात करें टैप ए की उसने 11 टू 8 टू 11 वर्क किया यानी 3 आवर्स ठीक है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 आवर में 4 यूनिट तो 3 आवर्स में अगर हम बात करें कितना पानी उसने फिल कर दिया होगा कितना वाटर फिल कर दिया होगा 4 into में 3 यानी 12 यूनिट क्लियर है फिर हम बात करते हैं टैप बी की ठीक है उन्होंने उस टैप ने कहां से कहां तक वर्क किया है 9 टू 11 ठीक है 9 टू 11 वर्क किया है यानी 2 आवर्स और 2 आवर्स में कितना

प्लस बी एंड माइनस सी अब अगर हम बात करते हैं इनकी के अकॉर्डिंग देखें। टैब ए फोर यूनिट फिल करता है टैब बी फाइव यूनिट फिल करता है पर टैब सी फिफ्टीन यूनिट खाली करता है अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन है तो आप देखिए ये फाइव फिल कर रहा है ये फोर फिल कर रहा है और ये फिफ्टीन क्या है खाली कर अब आप खुद देखिए नाइन यूनिट अगर आप किसी टैंक में पानी वाटर फिल कर रहे हैं एक तरीके से या नाइन लीटर ही एज्यूम करें और 15 आप उसमें से निकालना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर उसमें ऑलरेडी पहले से पानी या वाटर ना हो ठीक है तो वही सेम कंडीशन है पहले से कितना यूनिट उसमें है 22 यूनिट इस बार आपसे कंडीशन भी यही पूछी गई है व्हाट टाइम टेल टैंक विल बी एम्प्टी टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा ठीक है अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसके अकॉर्डिंग घंटे तीनों तीनों तो तो में क्या है सिक्स यूनिट पानी क्या है वाटर सिक्स यूनिट क्या है एम हो रहा है तो ट्वेंटी टू यूनिट जो पहले से फिल हो रखा वही एम करना है इलेवन के बाद तो उसमें कितना टाइम लगेगा तो ट्वेंटी टू अपॉन में सिक्स ठीक है तो हम इसको सॉल्व uh, करेंगे तो आपके पास आएगा थ्री आवर्स ठीक है फोर बाय सिक्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू में सिक्सटी तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा थ्री आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स ठीक है इलेवन एम के बाद अगर हम बात करें तो कितना टाइम लगेगा थ्री आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स ठीक है इतने में क्या है इतने टाइम बाद क्या हो जाएगा टैंक आपका खाली हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थ्री पाइप इन ट्वेल्व एंड एंड ट्वेंटी पहले देखिए कंडीशन आपको क्या कहा गया है यहाँ पर थ्री इस टैंक में क्या है एक तरीके से थ्री पाइप है हम तीनों के नेम ले, ले लेते हैं ए ठीक है बी एंड सी ठीक है तीनों एक तरीके से फिल करने वाले पाइप हैं अगर हम बात करें और उनकी टाइम ड्यूरेशन दी है ए कितना टाइम लेता है ट्वेल्वी आवर्स बी कितना कितना लेता है? 15 कितना लेता है है आवर्स आवर्स एंड सी आपके पास ठीक है तीनों के तीनों टैप क्या है टैंक को फिल करते हैं तीनों टैप आप टैंक को फिल करते हैं तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके क्या निकालते हैं टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं और वो कितनी आ जाएगी सिक्सटी यूनिट आ जाएगी ठीक है ये हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ गई अब हम टैप ए की एफिशिएंसी निकालेंगे टैप बी की एंड टैप सी की तो ए की हमारे पास आ जाएगी फाइव यूनिट ठीक है एंड बी की आ जाएगी फोर यूनिट एंड सी की आ जाएगी थ्री यूनिट ठीक है तीनों टैप की हमारे पास क्या आ गई इफिशियंसी अब यहां पर क्या कहा गया है पाइप ए को ओपन कर दिया जाता है बिगनिंग से ही मतलब स्टार्टिंग से ही पर उसने सेकंड कंडीशन दी है पाइप ए को क्या है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ओपन किया गया है कंटिन्यू पर बी और सी जो है इनको क्या है अल्टरनेट उस पर ओपन किया गया यानी अगर हम बात करें फर्स्ट मिनट की ठीक है फर्स्ट आर की सॉरी यहाँ मिनट नहीं है आर्स है ठीक है फर्स्ट आर्स की बात करें तो यहां पर कौन वर्क कर रहा है ए और बी वर्क कर फिर सेकेंड आर की बात करें ठीक है तो यहां पर कौन वर्क कर रहा है

और सेकेंड मिनट में एट यूनिट अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं टू मिनट्स की ठीक है तो टू मिनट्स में कितना वाटर फिल हो रहा है नाइन प्लस एट यानी सेवनटीन यूनिट ठीक है अब टैंक का फिल कितना पार्ट करना है सिक्सटी अब अगर हम देखते हैं सेवनटीन का सिक्सटी से पहले मल्टीपल तो कितना मल्टीपल है सेवन थ्री जा 51. तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम भी आ जाएगा इंटू में थ्री यानी सिक्स मिनट में कितना है फिफ्टी वन फिफ्टी वन यूनिट वाटर क्या हो जाता है फिल हो जाता है ठीक है ठीक है मिनट में कितना फिफ्टी वन यूनिट अब रिमेनिंग कितना रहा है अब नेक्स्ट मिनट मिनट में बात करें, seventh minute बात करें यानी की करते हैं तो सेवंथ मिनट में कौन वर्क करेगा ए और बी वर्क करेंगे ए और बी वर्क करेंगे कितना रिमेनिंग रहा है नाइन यूनिट और नेक्स्ट सेवंथ मिनट में बात करें तो दोनों एक मिनट में कितना फिल करते हैं नाइन फिल करते हैं तो वो सेवंथ मिनट में आएंगे ठीक है वर्क करेंगे और कितना फिल कर देंगे नाइन यूनिट यानी टोटल हमारा जो टैंक है वो फिल हो चुका है यानी टोटल टाइम कितना लगा है हमारे टैंक को फिल करने में सेवन सॉरी सेवन आर यहां पर हमारी वैल्यू क्या थी आर्स में थी